देख रंगबाज है लेकिन चश्मा पहन के घूम रहा है। यानी ये तो गंदा है, ये तो मिट्टी है, ये तो गंदी बात है कुंजी। नहीं बन जाओ उर्फी जावेद, क्या है अब चलो इसे मिला दो, ठीक है ऐसे इसमें मिला दो और ऐसे इसको कर दो, बंद कर दो और ऐसे निकलना। हाँ, अभी हम लोग यहीं पर खेलेंगे, अभी हम लोग यहीं पर सुबह बाइक से खेलेंगे। अभी आएगी मॉन्स्टर कार, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ बीच पे जहाँ पे बहुत सारा पता क्या है पानी। ये ले लो फायर ट्रक ले लो। ओ ओ वाह, अभी चलेगा वहाँ। पानी में भी चलाओगे क्या फायर ट्रक को? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्य स्टाइल्स। आज हम लोग जा रहे हैं एक डेट पे, एक दिन की है, हमारे घर के पास, मतलब घर के पास तो नहीं बोलेंगे बट हाँ 3.5 घंटे की जर्नी है। एक सी बीच है मंदारमनी, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे बीच में बंद हो गया था, गाड़ी में बैठती मोशन सिकनेस सी होने लग जाती है, पीछे बैठती हूँ तो डेफिनेटली मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन आजकल पता नहीं कि मुझे आगे बैठने से भी हो जाती है। तो मुझे, हम लोग निकले 1 घंटा हो गया। मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बट मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ना, होता है कि एक बार वॉमिटिंग हो जाती है तो थोड़ा बेटर फील होता है, तो अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो करीब 95-96 किलोमीटर यहाँ से बचा है, शायद 2 घंटे के आसपास लगेंगे फिर हम लोग पहुँच जाएंगे बीच में। तो पता नहीं आगे की जर्नी का, मुझे नहीं पता है कि मुझे और वॉमिटिंग होगी या नहीं होगी। अगर मैं बेटर फील करूँगी तो रास्ते में भी व्लॉग करूँगी, नहीं तो सीधे डायरेक्ट वहाँ चल के ही व्लॉग करूँगी। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी कितना 10 बजे, हम लोग 9 बजे निकले थे, 1 घंटा तो हो गया होगा आराम से। तो 1 घंटे में इतना कुछ हुआ है और ब्लॉग करने के लिए सीधे बंद कर दी, गर्मी लगने लग गई है। और समाज को पीछे बैठाया था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग सी आ रही थी और सोचा कि ये भी थोड़ा आराम कर लेगा, लेकिन जैसे ही मुझे वॉमिटिंग आना स्टार्ट हुई सोना उठ के बैठ गया कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, तो इसको वापस से आगे बिठा लिया है। चलो अब देखते हैं कि हमारा आगे की जर्नी किसी कितनी स्मूथ जाती है। ठीक है, बाय बाय कर दो, सुनो बाय, इसको नींद आ गई थोड़ी थोड़ी सी। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ छूट गया, हाँ छूट गया, घर चला गए कि सीधे चला जाए? चला जाए, अब थोड़ी दूर बचा है। हाँ ओए ये कैसे दब गया? ये हाथ रख गया यहाँ। ये तो हालत खराब हो गई, चल पाएंगे क्या? क्यों नहीं चल पाओगे, 100% चलेंगे। अच्छा नहीं, ये तो बैठा है अपना, इसको भी उल्टी आ गई, कुछ ही मुड़ी है, इसको भी बेचारे को उल्टी आ गई। उल्टी आई तुमको? चलो चलिए। गद्दा खोदने समंदर तू, ये कितना गीले गीले सा लग रहा है। क्या करने आए हो समर्थ तुम? कदो गड्ढा खोदने आ रहा है यहीं पर, गद्दा पानी में चलते हैं, बढ़िया खुदवाएं गड्ढा, पानी में चलते हैं, पानी में आ जाओ। बहुत से खाली सा बीच है, एकदम कोई नहीं है, बहुत कम लोग जो लोग हैं वो उधर वहाँ वहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर खाली है। अभी लो टाइड चल रहा है तो सारा पानी पीछे गया हुआ है। लेट्स वॉक। पानी है यहाँ पर सर, निकाल दो, यहीं पर निकाल दो, कुछ नहीं होगा, क्लॉक्स निकाल दो, पानी है, निकाल दो निकाल दो। अब जैसे भी गड्ढा खोद, पानी रह गए, पानी रहने दो, बना दो,
कहीं कुछ भूख और ज्यादा पानी है। पानी भल्ला है जोना, पानी भल्ला है। पैर इसके पैरों में पानी भर रहा है। लेकिन ऐसे यार मन नहीं करता पता है, ऐसे मन नहीं करता, भीगने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ लग रहा है कि ऊपर ऊपर ही रहे यार, पूरा ना भीगे पैरों तो यहाँ तक पानी आ गया है। समर्थू यहाँ मिट्टी खोदो थोड़ी सी यार, जेसीबी चलाओ पानी में। हाँ अरे तुमसे मिलने को समर्थू बहुत सारा पानी है कि नहीं ये बताओ। यार तुम ये पानी भर रहे हो कि खुदाई कर रहे हो? जैसे भी पानी में चल रही है, दुलुम हो गया है पानी में तो दुलुम। ओह सुनो डैडी कहाँ चले गए हैं, वो इतनी दूर देखो डैडी। तुम्हारी जेसीबी चली जाएगी वेव के साथ में। इतनी धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, आंखों में इतना रोशनी पड़ रही है कि मुझे कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा होगा इसमें। जेसीबी पानी में चलाओ, जल्दी से चलाओ। यहाँ कहीं शुक्ला जी होंगे पीछे, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं बस कर रही हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कैमरे में आप लोगों को दिख रहा है। समझ मेरा जेसीबी से खेल रहा है। लेकिन समझ तू कहाँ चल रही है जेसीबी? पानी में चल रही है जेसीबी। आइए बे, ओ ना समझ कितना डूब गया है पैर। जेसीबी भी डूब जाएगी जेसीबी, लेकिन जितनी गंदी थी सब धुल गई, धुलू सब धुल गई। ओ वेव आ गई फिर से, ऑल ए दिशू वेव को दिशू दिशू अरे भाई भागो, वो जेसीबी डूब गई। हाँ जेसीबी चलाए है इसके, और भी ले आते तो और भी सही रहता है। और लेकिन पता है दो से खेल नहीं पाता, पता लगे एक बह जा रहा है एक पकड़ रहा है, फिर मजा नहीं आ रहा है। हम मैं समुंदर दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे ही देखो। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं दूसरा लेके जाएगा। पुराना ही नहीं चाहिए मुझको अब। और जाओ और जाओ और जाओ, इतना नहीं अभी, और कौनसी बाघ। नहीं 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 तो आ कैमरा वैसा हो जाएगा हमें का। अरे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। मैं बोला कि मैं नया लेके जाएगा भाई। ये अपनी जेसीबी नहीं छोड़ रहा है, अजीब निकाले बीता वर्गी। कुंची क्या कर रहे हो?
अच्छा क्या कर रहे हो बताओ? दोनों बह जाती है। हाँ बह जाती है। ड्राइवर क्या कर रहे हो तुम? बताओ तो थोड़ा तो बताओ। हाँ जैसी भी पानी में डूब गई। अभी देखना। ले मम्मा ने क्या कर दिया, लो गंदी कर दी। अरे हाँ अपना भी जानता है, डुबो के धो लेता है, अब वो मिट्टी नहीं हटाता है। मैं हमारे ऊपर मत डालो यार। अब फिर मैं पता है क्या करूंगा, पैर पकड़ के घुमाऊंगा चारों तरफ ऐसे। गया अभी मैं थक गया हूँ। समुंदर का पानी पियो, रिचार्ज हो जाओ, फिर चलते हैं। यार ना को डुबा के माने जिंदा जिंदा लेके नहीं जाएगा मार के। कभी कहता है समुंदर का पानी पियो, कभी कहता है वापस मत आना। ए घुसा नहीं नहीं गुंची घुसा मैं तो इसकी जैसी भी ले जाऊंगा। जैसी भी तो मेरे पास में है इसकी। मैं आ रहा हूं। अब आ रहा लो अच्छा जैसी भी ले लो अपनी, तुम लो। इन लोगों का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं कब से स्टार्फिश देख रही थी और ये लोग अभी तक निकल के नहीं आ रहे बाहर। मन ही नहीं कर रहा आने का इसे। अभी नहीं कहाँ पे दबा दिया तुमको कुंची? निकलो जल्दी कुंची निकल। चल गिगल गुंची गिगल। मेरे तो हाथ पकड़ने द्वारा ऐसे छूट जा रहे हैं, रपक रहे हैं सब। चलो बहुत ज़्यादा पानी मस्ती हो गई है। कितने 2 घंटे तो होगा हम लोग। आप जाते हैं कपड़े चेंज करते हैं। 16 दो बजे पीगा पूरा खाना। कुछ ही बोले ड्राइवर बेटा, क्या लग रहा है तुमको? मुझे ज्यादा लग रहा है, मुझे ज्यादा लग रहा, ठंडा लग रहा, ठंडा। चलो अच्छा सी को टाटा बाय बाय कर दो। सी को कुंची उधर उधर है बड़ा, बाय कर दो, बाय कर दो। इतना सारा बड़ा उस बड़ा है। चलो अरे तुम्हारी तरफ क्यों करें? अरे हमारी तरफ करो। स्टार ब्लॉगर तो बोनते लिया है, जनता जनार्दन को बताना है। जल्दी बोलो जनता जनार्दन को। ज्यादा कपड़े चेंज करेंगे वो आप लोग, नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद दिखाएंगे क्या पहने कपड़े, फिर खाना खाने के लिए कुछ ढूंढेंगे वेज ऑप्शन में। नहीं बन जाओ उर्फी जावेद क्या है। आओ चलो आ जाओ पंछी आ जा। चल और क्या, यहाँ इतना स्टॉल लगा है, लोग ऐसे ही कह रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं है। अरे कुछ तो वेज मिलेगा। सूरज की रोशनी कितनी अच्छी पड़ रही है, देखो कितना चमक रहा है ना। आओ ले वो इसको भी, सूरज की रोशनी लग रही है, चमक रहा है। उधर पानी नहीं है बस खाली रेत है वो। हां लोग चल रहे हैं देखो। और समर्थ अपना रास्ता नापे है। समर्थ तो चला पूरा भीग गया है क्योंकि हम लोगों के साथ लहर छोटी थी लेकिन उसके साथ लहर बड़ी थी। लेकिन मजा ये फुल किया है। हाँ लेकिन अब क्या इसको मजा आया था? पिछली बार आया था छोटा था है ना, तभी डर रहा था लहर से। अब की बार आया सो तो कैसा लगा, कैसा लगा तुमको? बोले कि नहीं
ज्यादा बात ना करो हमसे, ठीक है? मजाक कर रहे हैं, मजाक करने दो, नो सवाल जवाब, तो बात नहीं करता ये। देखो खाली, देखो यार वीडियो चालू तो किया ही नहीं था ले। हाँ, पता है, हमने देख लिया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हमको पगला समझोगे? इसीलिए नहीं सकते माया, मेरे को कहता तुम तो यही करते हो। हाँ, मेरे को मालूम ही चले था, मेरे को मालूम ही चले था, देख लेते तुम्हारे हरकत के बारे में, दो तीन बार कर चुके थे, ऑन कर दिया, पूरा इंट्रो रिकॉर्ड कर लिया, पूरी दुनिया भर बना लिया वीडियो, रिकॉर्डिंग चालू नहीं, बताओ, देख लेते पहले से। नहीं, अब पता लगे बना के लाओ, ठीक है, हाँ। कहने लाओ थोड़ा पुराना कंटेंट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक बार यार मैं तो हुआ था, पता यार, पता नहीं कहीं का यार वीडियो बना के लाए थे। अरे वहाँ बनारस का, अरे भैया आप अभी तक इंतजार कर रहे हो? अब तो हमारा बच्चा भीग गया है बहुत ज्यादा, पास ही छोड़ देंगे ना। नहीं, हम बस यहीं तक जाएंगे अब। थोड़ी देर पहले जो मैं आप लोगों को बहुत दूर से शॉप्स दिखा रही थी, हाँ, ये वही वाली शॉप्स है, दो तीन शॉप्स थी यहीं पर ही, कुछ खाने पीने का और कुछ आइटम वगैरह भी मिल जाता है जो सी के आसपास मिलता है, शंख और ये सब वुडन के कुछ आइटम्स थे वो यहाँ पर सेल कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे थे और हमारे कुछ ज़रूरत की नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। क्यों नहीं बैठना तुम्हें? सैंडल में क्या लगा है? सैंड लगी है, अभी सूख जाएगी तो निकल जाएगी। कहाँ सैंड में जाना है? कहाँ जाना है? सैंड में जाना है, अब नहीं जाना है, समझ में आया तुमको? अब हो गया, एक बार घूमी फूंगी। हम लोगों ने खाई एक एक मैगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था वेज में, बस मैगी का ही था, तो हम लोगों ने खाई मैगी, उसके बाद खाया एक एक आइसक्रीम और हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पर की वॉक। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि यू नो हल्के हल्के अभी भी गीला गीला था, पैरों में से ठंड ठंड सा लग रहा था। तो वॉक करने के बाद बस हम लोग आ गए अपने घर। तो अब हम लोग आ गए, सब लोग घर, हम लोग घर आ गए थे 9:15 के आसपास। सुबह पहुंचने में हम लोगों को लग गए थे कितने, 4.5 घंटे ना, 4.5 घंटे लग गए थे, 4.5 घंटे रास्ते भर हम लोग, सब लोग, हम लोग वॉमिटिंग करते करते गए, हमें वॉमिटिंग आई, समर्थ को वॉमिटिंग आ गई, मेरा तो चलो ठीक है, 2-3 बार आई, समर्थ को भी आई, फिर हालत थोड़ी ख़राब हो गई ट्रिप, लेकिन वहाँ पर जाके थोड़ा सा अच्छा लगा, समर्थ को भी अच्छा लगा, समर्थ ने वहाँ पर बहुत सारी मस्ती की, खेला, और फिर आने के बाद मेरे को फिर से वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गई, मतलब हमने तो ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि नॉनवेज भी वहाँ पर ज़्यादा था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मैगी वैगी खाई जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद फिर मतलब ब्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, आके नहाया धोया, उसको नहलाया, खा पी करके, मेरी तो अभी भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है और थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है और नींद आ रही है। तो बस अभी इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? चलो यही था आज का फिर व्लॉग। ट्रिप वगैरह सही, आने जाने का थोड़ा मेरा सही नहीं था, क्योंकि वो मतलब अगर दिक्कत हो जाती, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती यार, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं अच्छा होता है। बाकी बीच वगैरह काफ़ी सही था, साफ़ था, भीड़ कम थी, अच्छा था, पानी वगैरह बढ़िया था, जगह थी अच्छा खेलने वेलने के लिए, वो सब काफ़ी अच्छा था। लेकिन जाने आने में 4.5 घंटे लगे, जाने में 4 घंटे लगे, आने में, आने में हम लोगों ने एक भी स्टॉप नहीं लिया है ना, नॉन स्टॉप चले आए, बस पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने टंकी फुल कराई थी, मतलब तेल डलवाया था, बाकी हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुके, चले आए से। और आते वक्त भी मुझे वॉमिटिंग होती हुई रास्ते में आई है, मतलब आने जाने का दोनों गड़बड़ था। मुझे नहीं होती कार में यूजली, हम इतना ट्रैवल किए हैं, इतनी दूर दूर तक ट्रैवल किए, लेकिन मेरे को कभी वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हो गई, एक दो बार और हुई है लेकिन हमेशा नहीं होती है। तो बस यही सब कुछ था। अब लेकिन बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई, थक गया बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ रास्ते पर ब्लॉग करने का और अभी भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं और आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। अब आयु कौन कर लेगा? टेक केयर, अच्छा अच्छा, गुड नाइट तो कर दो, गुड नाइट, ठीक है, फिर बाय बाय।